कभी आपने सुना है जबरदस्त इम्यूनिटी, पावरफुल ब्रेन और हड्डियों को लोहे की तरह मजबूत बना देने वाले इकलौते इस लड्डू के बारे में? नहीं ना, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुपर सुपर हेल्दी ऐसे लड्डू की रेसिपी जो हर माँ अपने बच्चों को एग्जामों के दौरान देना चाहती है, बीमारी से बचाने के लिए और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। घर में रखी सिंपल सी दो ही चीजों से हम बनाएंगे इतने शक्तिवर्धक और सेहतमंद लड्डू कि जिसके फायदे अगर मैं आपको गिनाने बैठूं तो खत्म ही नहीं होंगे। ऐसे स्पेशल लड्डू कि आप देखते ही बनाएंगे और अपने बाजार के प्रोटीन पाउडर और दवाइयों पर खर्चा कर देंगे बंद। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरे परिवार के लिए रामबाण कहे जाने वाले सुपर सुपर हेल्दी टेस्टी लड्डू बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1 कप रागी का आटा। रागी को फिंगर मिलेट्स कहा जाता है इंग्लिश में और हर स्टेट में इसके अलग अलग नाम है। फायदे तो पूछिए मत, सुपर फूड में कहलाया जाता है, बहुत ही सस्ता सा होता है, हर जगह मिल जाता है। इसको कहीं कहीं नचनी बोला जाता है, मंडुआ बोला जाता है, मंगल बोला जाता है, कोदरा बोला जाता है, कहीं मांडिया बोलते हैं, बहुत अलग अलग नाम होते हैं। लेकिन फायदे ऐसे हैं कि जब इसको आप बनाएंगे और घर में सभी को खिलाएंगे तब आप जानेंगे इसका असली राज। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरीके का आटा होता है, ये देखिए। अब बाजार में साबुत भी मिल जाता है, आप घर में भी पीस सकते हैं। सबसे पहले गैस पर चढ़ाएंगे एक कढ़ाई और फ्लेम को कर देंगे लो मीडियम और इसमें हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच घी। घी के पिघलते ही इसमें हम डाल देंगे 1 कप रागी का आटा और आटे को बिल्कुल बढ़िया से लो मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे भूनेंगे। इससे आटे में बहुत ही सौंधी सी खुशबू आ जाएगी और जो लड्डू है उनका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। बच्चों के लिए तो वरदान कहे जाते हैं लड्डू, क्योंकि इसमें होता है ढेर सारा कैल्शियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ई, विटामिन सी, साथ के साथ ढेर सारा फाइबर और प्रोटीन। इतना कैल्शियम होता है कि बच्चों की बोन्स के लिए बहुत बहुत ही फायदेमंद है। घर में सभी बड़ों के लिए जो भी हड्डियों की कमजोरी है वो सब परेशानी दूर करता है, बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाता है, डाइजेशन को भी बहुत इम्प्रूव करता है। बालों के लिए और स्किन के लिए तो बहुत बहुत फायदेमंद है। मैं अगर इसके गिनाने बैठूं फायदे तो खत्म नहीं होंगे। तो आप इस लड्डू को तो जरूर बना के रखें, बस इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि बढ़िया सी खुशबू ना आने लगे, तो इसलिए लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनें जिससे जले नहीं। इससे इसमें एकदम बढ़िया सा फ्लेवर जग जाएगा और अभी आप देख सकते हैं कि कलर एकदम चेंज हो गया है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, आपको खुद ही पता चलेगा, पूरा किचन महक रहा है। एकदम बढ़िया से रागी का आटा भुन गया है, बस 5 से 6 मिनट का टाइम लगता है। गैस को बंद करेंगे और आटे को निकालेंगे एक अलग प्लेट में। अब आप वापस से कढ़ाई चढ़ाएं और फ्लेम को कर दें लो। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/4 कप मूंगफली। मूंगफली प्रोटीन का खजाना होती है, बहुत ही फायदा करती है, ब्रेन तेज करती है और तुरंत एनर्जी देती है। लगातार चलाते हुए मूंगफली को भी बढ़िया से रोस्ट कर लेंगे, बस इतना कि ये थोड़ी सी चटकने लगे और इसका छिलका हटने लगे। अगर आपके पास पहले से ही मूंगफली भुनी हुई तैयार हो तो वो ले लीजिए। बच्चों के एग्जाम टाइम पे ये लड्डू आप उन्हें खिलाइए, हाई प्रोटीन होता है, तुरंत एनर्जी देते हैं, ब्रेन को एक्टिव करते हैं। मैं सारी चीजें आपको इसलिए बता रही हूँ कि जो चीज आप बना रहे हैं आपको पता हो कि इसके क्या गुण हैं, क्या फायदे हैं और ये हम क्यों बना रहे हैं। मूंगफली भी बिल्कुल बढ़िया से रोस्ट हो गई है, गैस को बंद कर देंगे और मूंगफली को निकालेंगे एक किचन टॉवल पर और फटाफट से इसको हल्का ठंडा हो जाने पर इस तरह रगड़े, सारा छिलका मूंगफली का हट जाएगा बहुत ही जल्दी। और साथ ही अब इसको इस तरह से एक इस तरीके की छानने वाली छलनी लीजिए, इस तरह डालिए और सारा इस तरह छिलका हटा लीजिए। अब आप लीजिए एक ग्राइंडिंग जार और ग्राइंडिंग जार में सारी मूंगफली को हम डाल करके इसका एक कोर्स पाउडर तैयार करेंगे, यानी थोड़ा सा दरदरा सा, बहुत ज्यादा फाइन नहीं करना है, तो बस पल्स पर करेंगे हम इसको। तो बस बटन प्रेस कीजिए, रुकिए, इस तरह से हम इसको पीस लेंगे। और ये लीजिए, मैंने मूंगफली को भी दरदरा सा पीस लिया है, जो हमारा रागी वाला मिक्स था ना उसी में हम सारा मूंगफली का पाउडर भी डाल देंगे। और अपने रागी लड्डू को और भी हेल्दी टेस्टी बनाने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 कप नारियल का बुरादा, डेसिकेटेड कोकोनट। ये सब डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप अपने अनुसार वेरिएशन भी कर सकते हैं। तो 1/4 कप लगभग 4 बड़े चम्मच के करीब ही मैं डाल रही हूँ नारियल का बुरादा, 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए और यहीं पर थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ नटमेग, बहुत ही फायदा करता है सर्दियों में। तो बस इस तरह से क्रश करके लगभग 1/4 टीस्पून के करीब हम इसमें डालेंगे। बस सब चीजों को करिए इस तरह से मिक्स। इसको तो रखते हैं अभी अलग और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप।
अब वापस से उसी कढ़ाई को चढ़ाएंगे गैस पर और फ्लेम को कर देंगे लो मीडियम। और यहां मैं ले रही हूं 1 कप गुड़, यानी 1 कप जैगरी। खास बात, जो भी गुड़ लें पहले से ही क्रश कर लें, इससे इसको पिघलने में समय कम लगेगा। आपकी जो मिठाई या जो भी लड्डू आप बना रहे हैं वो हार्ड नहीं होंगे। यहीं पर इसमें हम डालेंगे 1/4 कप पानी, ऐसे समझ लीजिए 4 बड़े चम्मच। और इस तरह लगातार चलाते हुए आप देखेंगे कि तुरंत ही गुड़ पिघल जाएगा। इसको मैं तब तक पकाना है जब तक कि बढ़िया सा एक इसमें उबाल ना आ जाए और गुड़ आपको थोड़ा फूला फूला लगेगा। रोज एक खाइए और इसके फायदे आप खुद देखेंगे कि इतनी सस्ती सी चीजों से बनी हुई, बेसिकली 2 ही चीजें चाहिए, 1 गुड़ और रागी। बाकी चीजें ऑप्शनल हैं, आप अपने अनुसार इसमें आप ड्राई फ्रूट का पाउडर भी डाल सकते हैं, अपने अनुसार चेंजेस कर सकते हैं। और अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया से गुड़ में उबाल आ रहा है, एकदम बढ़िया से गुड़ फूला फूला सा दिख रहा है। और इस तरह से ना थोड़ा सा आप चेक कीजिए उंगली पर रखकर, ये देखिए ऐसा छुरे पर ना एकदम चिपचिपा, लेकिन इसमें तार नहीं आ रहा है। देखिए पूरा एक तार नहीं खिंच रहा है, ऑलमोस्ट आने वाला है। तो बस इस स्टेज तक ही हमें गुड़ को पकाना है। तो गैस को करेंगे बंद और गुड़ के मिक्स को हल्का सा ठंडा होने देंगे, बहुत ही हल्का सा कि हम इसे छू पाए। और जो हमारा लड्डू का मिक्स था उसमें हम अपने जैगरी सिरप को डालेंगे। सारा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा डालिए, चम्मच से मिक्स कीजिए क्योंकि अभी गर्म है ना गुड़। बस इतना बार हमें डालना है कि हम आराम से इसके लड्डू बना पाएं, ये मिक्स पूरा बंध जाए। और ये लीजिए, मैंने बिल्कुल बढ़िया से गुड़ को मिक्स कर लिया है और जितना मैंने सिरप बनाया था गुड़ का इसमें पूरा लग गया है। साथ ही यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ पिस्ता, इससे ना इसकी लुकिंग बहुत सुंदर आएगी। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, इसके बगैर भी बना सकते हैं, या काजू बादाम अखरोट कुछ भी डाला जा सकता है। बस 1 मिनट बाद आप सब चीजों को करिए मिक्स, ज्यादा ठंडा मत कीजिएगा वरना आपको बांधना मुश्किल हो जाएगा। बस मिक्स करके इस तरह से बहुत ही इजीली, ये देखिए कैसे आसानी से एकदम कोई भी बना सकता है ये लड्डू। रोज सुबह ब्रेकफास्ट में दूध के साथ खाइए और फिर आप इसके फायदे देखिए। जैसे कि मैंने बताया गुड़ों की खान है ये लड्डू, बहुत ही इजीली बन जाते हैं और देखिए कितने शाइनी और कितने सुंदर लड्डू बने हैं। और सारे ही अपने रागी गुड़ के लड्डू हम इसी तरह बना लेंगे। मैंने अपनी फैमिली के लिए कुछ लड्डू पहले भी बनाए थे तो उसमें मैंने बादाम भी डाला था, तो देखिए लुकिंग इस तरह की आई है। तो आप चाहें तो काजू बादाम भी डाल सकते हैं, देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारे जबरदस्त हेल्दी गुड़ों से भरपूर सेहतमंद शक्तिवर्धक रागी गुड़ के लड्डू। बहुत ही टेस्टी बने हैं फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं इनकी लुकिंग चॉकलेटी से लग रहे हैं ना, बच्चे भी बहुत खुश होंगे, टेस्ट बहुत अच्छा है। आपने देखा बनाने में तो बस मिनटों का काम है, तुरंत बना सकते हैं, कोई चीनी चाशनी का झंझट ही नहीं है, इजी टू मेक है। और बस इस तरह बनाइए, बना करके एक एयरटाइट बॉक्स में भर करके रख दीजिए, 1 महीने भी बाहर भी रखेंगे ना तो भी खराब नहीं होंगे। बिल्कुल इसी तरह बनाइएगा, बहुत ही फायदा करते हैं। रोज सुबह दूध के साथ खाइए, आप अपने आपको बहुत एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे और जो ग्रोइंग बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया है क्योंकि बोन्स को ये बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज 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 ढेर सारे लाइक कीजिए और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सभी रेसिपीज की डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।